जब दर से भूजल को जीवन होता लिखने को वेन नो टीचर्स था दर सबक सीखने को ये काला बताई है घाटे के सौदे में सब कुछ तुम बिकने दो तुम पहाड़े मोहब्बत के सौदे में नफरत को भीग में दो तेजाबे मोहब्बत की बारिश में पिघ लूंगा मुझको तुम भीग में दो हम पत्ते हैं पंचम महीने में छोटे हम बाकी ना मुझको तुम गिरने दो दगा देने वालों की यहाँ लाशें पड़ी है एक मुद्दत से जिंदा दे दिल में जो शिकारी की शिद्दत परिंदा भी मुर्दा या जिंदा भी शक की निगाह से तुम पिस्तल को मत देखो रूहानी मोहब्बत से नाता रखो बेकसूरों की इज्जत को बिस्तर पे मत फेंको था लश्कर शैतान का बचकर तू मैं निकला लाजिम न होता मोहब्बत के खंजर पे वो फिसला छिड़का बैरावर पे ईंधन तू माचिसला खातिर भलाई के त्यागे जो हासिल था है पुस्तक के पन्नों में लिपटा जो जाहिर था अंधों से नाता था नफरत के माइंड था कमजर उसे काफी गहरा मेरा रिश्ता था हमदर्दी दी चाहती पैरा हर वक्त देता था न मिलता सबूत मजबूरी में लिखता था अब माहिर हूं का व्यापारी हूं लौटा दिया मैंने जो भी था जिसका था एक खिड़की खुली है सुनहरा सब दिख रहा है जो रोता था बिस्तर में हिचकिया लेके वो चेहरा सटीक सा है मैं वाकिफ हूँ रास्ते खुशी से पर फिर भी ये गम है जो गम सा क्यों छिपका है सबक हाथ से देते हैं जान इंसानी है फितरत है वो बातों से कभी नहीं कुछ भी हो सीखता ये सब बातें मेरी दीवाने ही समझेंगे फकीर जो सारे है झूमे ये कम नजर सारी ये गम लेंगे इस रैप का नाम कर जो रख दू अंधेरा सितारे बनकर सारे अक्षर ये चमकेंगे इस लिखावट में मेरा कोई हाथ नहीं है पर हाथ मेरे ये सब लिख के ही गम लेंगे यार तुम लोग को राइटिंग की वैल्यू नहीं है रोएगा नहीं कोई भी मैं बता दे रहा हूँ हाँ कोई रोएगा नहीं भाई लोग ओके एक चीज पे ध्यान दो सब लोग अच्छी चीज पे ध्यान दो सब लोग क्योंकि बंदा लिख के आता है इतना टाइम उसको देता हूँ तो रिस्पेक्ट करो भाई सब लोग ध्यान दो मुलींची करतो इज्जत कारण घरी माझी बहीण आहे झालं ना कोणाला साईड अंडरग्राऊंडच राहते क्राईम मला सुचलं नाही आणि केलं नाही कधी क्राईम क्राईम मला सुचत नाही आणि केलं नाही कधी क्राईम पण चेहऱ्यावर कायम असते भाऊ आपल्या सुंदरवाली तुझी खेचणार नाही भाऊ तू एकदम चांगला आहेस तुझी खेचणार नाही भाऊ तू एकदम चांगला आहेस शर्ट कितीला घेतला भाऊ मला सांगायस गेला तो पण राहिला उरून फोन तोडफोड गेला तो पण राहिला उरून फोन तोडफोड पण इकडे तिकडे सगळीकडे बघतो आजकालचे रॅपर सगळे मोड तोड इज्जत रिस्पेक्ट करतो मी त्याची प्रत्येक वेळा मी सांगतो ध्येय मला गाठायचं आहे त्याच्यासाठी फक्त मी भांडतो लिहून नाही आलो काय जे तोंडात येतं ते बोलतोय मनातले दडलेले काही शब्द तुमच्या पुढे मांडतोय कामाला जातो सुट्टी काढून आलो इथं कारण विचार केलेला टायटल घेऊन मला जायचंय माझ्या आईच्या तिथं ओके हम लोग वो प्यार वाली बैटल कर रहे हैं अभी अच्छा लगेगा तूने नाम लिया सो जिस उसके लिए give it up for guys MC Tolfor rest in power brother rest in power ओके स्माइल ओके गुड आंसर यार आपने दिल जला और ज्यादा रोमा खाया हुआ मैं तो उसी के ऊपर मैं बोलता हूँ रात होती है और तन्हाइयाँ मुझसे खेलती जाती है मैं आंखें बंद करूँ तो उसका ख्याल आता है फिर वो मेरे नजदीक होती है पेशानी पे हाथ फेरती जाती है ख्वाब की शुरुआत से पहले अंधेरा सा छा जाता है उसकी यादें चारों ओर से आती है मुझे घेरती जाती है मैं उसे कभी बहुत खिलखिलाता हुआ देखता हूँ वो मुझको पुकारती रहती है बारिशों में भीगती जाती है मैं उसे कभी बहुत हिचकिचाता हुआ देखता हूँ वो अपने बाल नोचती है तस्वीरों से चीखती जाती है
वो कभी मेरा गिरेवा पकड़ती है और मुझसे पूछती है कि तुम इतने बेबस क्यों हो, गमगीन शायर वतनावाशिक बदतमीज लड़के तुम ये सब क्यों हो। हटा के गिरेवा से हाथ उसका, मैं खामोश सा हो जाता हूँ। सुकून इस कदर पाता हूँ कि मैं ख्वाब में ही सो जाता हूँ। सोचिए कि जब ख्वाब में आंख बंद करता हूँ तो क्या होता होगा, मैं किस जवाब की तलाश में दौड़ता हूँ, मेरे जहन में दौड़ता सवाल क्या होता होगा। खैर ये सब मेरे मसले हैं, आपकी कोई बात नहीं। जो गुजर है आपकी रात वो रात सुकून की है, जो गुजरती है मेरी रात वो रात रात नहीं। ये हुनर मुझे उसने दिया है जो सबको सब कुछ देता है, इस पेचीदा लिखावट में मेरा कोई हाथ नहीं। भैया भैया उधर 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 गोकू गोकू यस ब्रो, सिंस ही इज डूइंग लाइक सम वर्सेस, इट वुड बी नाइस इफ इवन यू कैन डू सम वर्सेस। आई एम जस्ट सेइंग इफ यू वांट टू, एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग दोनों का शो है, बट वो बता रहा है कि उसकी लिखाई कितनी अच्छी है और आप कर रहे हो फ्री स्टाइल, तो उससे बहुत कॉन्ट्रास्टिंग हो रहा है, यू नो इट बी डिफिकल्ट। आई एम जस्ट सेइंग इफ यू थिंक दैट यू कैन, तो मतलब इतना अच्छा जो कि आई एम श्योर यू कैन डू। ओके यस यू डू समथिंग। हां माझ्या आईने मला कसं घडवलंय आणि कसं मला आज वाढवलंय, वडील नसताना सुद्धा इकडे मी आलोय कारण तिचे विचार तिथे मांडलेले आणि मी इथे येऊन भूमवर पडलेलो। तोलू न तो आभाळाला पंखावरी, मेरी माँ केली, तोलू न तो आभाळाला पंखावरी, उभी माझ्या रक्षणात ठाम तू आई, पासून आई दिली वडील लांची कमी, पुरवलं मला हवं सारं ठिकाणी, दाखवली नेहमी सत्याची दिशा, शिकवली बोलायला माणुसकीची भाषा, तुझ्या विना गारी अपूर्ण मी आहे, पाठीशी तू माझ्या म्हणून चिंता मला नाही। कसा मी आज माझ्या भावनांचा बांध बांधू, कसे मी सांग शब्द तुझ्या कौतुकात वाहू, कसा मी आज माझ्या भावनांचा बांध बांधू, कसे मी सांग शब्द तुझ्या कौतुकात वाहू, काय लिहू मी तुझ्या बद्दल आई, काय मी तुझे गीत गाऊ, पुन्हा तू दुःखाच्या तू दुःखाची छाया, आभाळात सुद्धा नाही मावणार तुझी माया, जीवन असेल लेखणी तर शाई तू ग आई, काट्या कुट्यांत चालते तू झटते माझ्या पायी, येतो संकटांचा पूर, अरे येतो संकटांचा पूर, तेव्हा सुद्धा असते भीत, अहो रात्र कष्ट करते दुःख असते नेहमी पीत, वाहते हसून यातनांचा भार तू कशी ग, तुझ्या सारखी पराक्रमी न पाहिली कधीच आई, नफरत करने के लिए मोहब्बत करना जरूरी है, अभी मेरी बैटल करना बेटा मजबूरी है। I respect you, लेकिन करूंगा तेरी बेइज्जती, तेरी शक्ल अभी मेरे पास फेक, अभी उसे करके दूंगा मैं ठीक, देख आएगा मेरे इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन में ब्लू टीक, I'm saying that, समझा? I'm slaying that, you are wearing hip hop, I'm not wearing it, but I'm living it, you just have to believe in it, I'm believing shit, that's why, मेरा दिमाग थोड़ा हाई, समझ रहा है भाई, मैं तेरी करूंगा बेइज्जती, तेरी छोटी छोटी दाढ़ी छोटी छोटी डुंगन लगे सर पे बाल होगा बुछड़ा, लेकिन मैं भी नहीं काट रहा, समझ रहे देखो भगते जा रहे, लेकिन तू भी नहीं हाँप रहा, थोड़ा भाग रहा है, चल चल जीत जा वैसे छाप रहा, शॉर्ट होएगा छोड़ो। I don't feel like doing it. देख तेरा रूमाल बटाऊंगा झोलझाल होने वाला है, Let's go!
रुमाल माझा घेतोय होतोय चोर पावसाचा त्याला घेत बनून मोर आपण बोलतोय झाले बोर आणि माझे विचार करू नको बोर वाटू आणि टाकेल बाबू
वाकवेल आला आणि टाकेल बांबू, बांबू टाकेल उभा करेल तंबू. तिकडे तिकडे भिंतोय. बॉइस उधर देखो, उधर देखो. अरे चले मत जाओ, उधर देखो. देखने और जाने में फर्क है. सर को माइक दो प्लीज. सर ये लीजिए माइक. जी ब्रो, सब लोगों ने देखा है तीन जेंट है. तीन जेंट पर 16 पे आए, 16 से 8 पे आए, 8 से 4, 4 से 2 पे आए. क्या तुम लोग के हिसाब से ये दो जेंट डिजर्विंग थे? वो तीन जेंट सब लोग है ना, मतलब ही आला है जाके खुद खेल जाए नहीं है बढ़ता है. जैसे कि अभी देखेंगे भाई, दोनों भाई लोग के, एक भाई का जो क्राउड कंट्रोल है वो टोटली क्रेजी है, इनसेन है. वो मतलब तुम लोगों को रीच कर सकता है, लाइक यू नो कोई भी एक नॉवल. और इनकी जो लिखावट है मतलब उसमें एक काफी अलग सूफियाना टच है, अंदाज है, वो भी तुमको रीच कर सकते हैं एक अलग तरीके में. बट वी आर हियर टू डिसाइड हु इज द बेस्ट अमंग द बोथ ऑफ देम, बिकॉज़ लोग टीम से पूरा ये करते आ रहे हैं. तो आई वुड रियली लाइक इट इफ यू गाइस कैन हेल्प मी विद दिस, है ना. एक एक करके मैं उनका नाम लेता हूँ, है ना, और तुम लोग थोड़ा आवाज करो, फिर अपने को मालूम पड़ेगा, देन आई विल गिव माय डिसीजन. और एक्चुअली मेरे साथ सनी कर पाएगा ब्रो. गिव इट अप फॉर सनी मैन. Guys, this is your privilege. You're standing with one of the best, one of the OGs. मैं नहीं भी बोलूंगा ना तो भी ये सच है. मैं नहीं भी बोलूंगा ना तो भी ये सच है. So, I'm gonna take भाई 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 बाबा इधर. अरे अरे भाई, अरे इतना तेज भी नहीं सुना. उधर उधर. Okay, चलो. So, I'm gonna take first smile saints on 3, 2, 1 smile. Let's not waste time. On my count, 3, 2, 1, Goku! ये पहली बार हो रहा है, तो ये पहले ही रहेगा जो भी रहेगा. सो ऑन माय काउंट फ्रॉम 10, 9.